खबर भोपाल से है, जहां अधिकारियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, मंत्री और विधायकों की बैठक के बाद सीएम करेंगे चर्चा और सीएम की अध्यक्षता में होगी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी की कॉन्फ्रेंस। विकास यात्रा की तैयारियों पर सीएम करेंगे चर्चा। कानून व्यवस्था सहित कई प्रमुख मुद्दों पर करेंगे समीक्षा। तो इस बीच ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां अधिकारियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंत्री और विधायकों की बैठक के बाद सीएम करेंगे चर्चा। सीएम के अध्यक्षता में होगी ये बैठक। विकास यात्रा की तैयारियों पर सीएम करेंगे चर्चा। कानून व्यवस्था सहित कई प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, अधिकारियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंत्री और विधायकों की बैठक के बाद सीएम करेंगे चर्चा। सीएम की अध्यक्षता में कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी, एसपी की ये बैठक होगी। विकास यात्रा की तैयारियों पर भी सीएम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था सहित कई प्रमुख मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। विकास यात्रा की समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो अधिकारियों से चर्चा करेंगे सीएम, जहां पर मंत्री और विधायकों की बैठक के बाद सीएम ये चर्चा शुरू करेंगे। सीएम की अध्यक्षता में कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी की ये मीटिंग होगी। विकास यात्रा की तैयारियों पर भी सीएम करेंगे चर्चा। तो वहीं कानून व्यवस्था सहित कई प्रमुख मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे और किस तरह से कानून व्यवस्था को धरातल पर उतारा जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था आम जनता की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम की अध्यक्षता में कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी की ये मीटिंग होगी, जहां पर विकास यात्रा की तैयारियों पर सीएम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कब तक ये बैठक शुरू हो सकती है और जिस तरह से कानून व्यवस्था पर आज जो सीएम चर्चा करने वाले हैं, इसके अलावा वो और कौन से खास मुद्दे होंगे जिस पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर महीने कलेक्टर, कमिश्नर से ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन ये 3 साल बाद कोरोना के बाद पहला मौका है जब भोपाल में प्रत्यक्ष तौर पर आईजी, एसपी, कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को बुलाया गया है। लगातार आज और कल 2 दिन तक ये समीक्षा बैठक चलेगी। पहले सरकारी योजनाओं की आज प्रशासनिक समीक्षा होगी, उसके बाद कल कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। और खास बात यह है कि इस पूरी मीटिंग के दौरान दोनों दिन दोपहर के बाद सीएम ने आधा दिन का लगभग समय आरक्षित रखा है। हर जिले के कलेक्टर से, आईजी से, कमिश्नर से अलग से, एसपी से अलग से बातचीत होगी, 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। कुल मिलाकर अब इलेक्शन मोड में सरकार भी आ गई है बीजेपी के साथ साथ, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आज भी तमाम सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी। देखिए, 5 फरवरी से विकास यात्राएं निकाली जानी है पूरे प्रदेश में, सरकारी बड़ा आयोजन ये रहने वाला है विधानसभा वार, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और जो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है 27 फरवरी से, उसकी तैयारी भी विभागवार यहां पर की जाएगी, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की जमीनी जानकारी भी ली जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश, और ऐसे में विकास यात्रा की तैयारियों पर भी सीएम चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 5 से लेकर 20 फरवरी तक पूरे 15 दिन लगातार विकास यात्राएं निकालने की एक बड़ी योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई है, और इन योजनाओं के तहत तमाम प्रशासनिक अमला, तमाम विभाग, इसके अलावा स्थानीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, सरपंच से लेकर पार्षद तक, तमाम जो जनप्रतिनिधि और सरकार के तारतम्य से जो पूरी विकास यात्राएं निकाली जानी है, उसका खाका तैयार किया जाएगा आज। हालांकि प्रोग्राम पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन उसकी तैयारियां क्या है, कितनी योजनाओं के लाभ जनता को देने के, किस जिले ने क्या टारगेट रखे हैं, इस पर अलग अलग जिलों के प्रेजेंटेशन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, और ऐसे में क्या सीएम जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्या उनसे 1-to-1 भी चर्चा करेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया, सामूहिक चर्चा होगी, फिर जिलेवार चर्चा होगी, और फिर 1-to-1 चर्चा होगी। ये 3 सेशन का बैठक रहने वाली है आज और कल। आज प्रशासनिक चर्चा होगी और कल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए।